गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम ज्योति यादव विद यू एंड वी आर डूइंग आर चैप्टर 3 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज़ यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. ओके, लास्ट वीडियो में आपने डिस्कस किया था द फर्स्ट गल्फ वॉर. गल्फ वॉर यानी कि खाड़ी युद्ध, ये मैं आपको शायद बताना भूल गई थी उसमें. तो गल्फ़ वॉर क्या है? खाड़ी युद्ध होता है, यानी कि जो जहाँ पर ये कंट्रीज़ में हुआ था वो खाड़ी वाली कंट्रीज़ थी सारी, गल्फ़ वाली कंट्रीज़ थी, तो इसलिए इसको गल्फ़ वॉर बोला गया है. ओके, तो अब हमने अपनी लास्ट वीडियो में यहाँ तक किया था. अब हम आगे करते हैं कि बाद में जब यूएन ने परमिशन दे दी किसको, यूएस को, तो उसके बाद में क्या हुआ. ओके, लास्ट वीडियो में हमने ये ड्रॉप किया था कि यूएन ने परमिशन दे दी थी यूएस को कि भई आप जाइए और जाके अटैक कर दीजिए किसके ऊपर, इराक के ऊपर, ताकि कुवैत को हम फ्री करवा सकें. तो ये जो पूरा सिस्टम था, ये जो पूरा यानी कि जो स्टेप लिया गया यूएन और यूएस के द्वारा, इसको बोला गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म. क्या बोला गया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इसको बोला गया था. यूएन की जो मिलिट्री थी, यूएन मिलिट्री ऑपरेशन टू लिबरेट कुवैत. अब यूएन क्या है, वो तो सारी कंट्रीज़ के लिए बना है, पूरे वर्ल्ड के लिए बना है. तो उसने क्या हुआ, कई सारी कंट्रीज़ की आर्मी को बुलाया, जिसमें 75% जो आर्मी थी वो केवल और केवल यूएस की थी. तो यूएन ने क्या किया, कुवैत को लिबरेट कराने के लिए अपना जो ऑपरेशन था वो शुरू कर दिया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म. अब इसमें क्या था, 34 कंट्रीज़ की आर्मी थी, जिसमें से 75% केवल और केवल यूएस की आर्मी थी, और इसमें जो टोटल ट्रूप्स थी वो थी 6,60,000, यानी कि एक अकेला बेचारा इराक और उसके अगेंस्ट जो पूरी सेना थी वो थी 6,60,000. ओके, तो ये हुआ. अब आगे क्या हुआ, यूएन मिलिट्री ऑपरेशन वाज ओवरवेलमिंगली अमेरिकन. नॉर्मन स्कारकोफ एंड अमेरिकन जनरल लेड द यूएन फोर्स. अब यहाँ पर क्या था, जो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इसका जो लीड किया वो भी किसने किया, एक अमेरिकन जनरल ने ही किया, जिनका नाम था नॉर्मन स्कारकोफ. ओके, तो ये एक अमेरिकन जनरल थे और इन्होंने इसको पूरी को लीड किया, फोर्स को, यूएन जो फोर्स थी. ओके, तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये क्या है, ये यूएन ने कोई सेना नहीं भेजी है, बल्कि ये क्या है, ये पूरा जो सारी जो चीज़ें हैं वो यूएस ही प्रिपेयर कर रहे हैं. ओके, तो जो जनरल थे वो अमेरिका के, 75% जो आर्मी थी वो कहाँ से थी, यूएस से थी. 75% ऑफ कॉलिशन फोर्स वर फ्रॉम यूएस, हियर यू गॉट इट. ओके, इराक वॉज क्विकली डिफर्टेड. अब इराक को तो ऐसा लग रहा था कि मान लिया, अच्छा अब तो पूरा वर्ल्ड भी मेरे सामने आ जाए ना, 6 लाख छोड़ो 6 करोड़ भी मेरे सामने आ जाए तब भी मैं नहीं हारने वाला हूँ. लेकिन ऐसा क्या था, नॉर्मली हुआ नहीं. ओके, रियली में ऐसा हुआ नहीं. जो इराक था वो बहुत जल्दी हार गया और जो कुवैत था उसको फ्री करवा लिया गया. ओके, तो इराक बेचारा हार गया, पहले वो किसी की सुन नहीं रहा था, उसको हारना पड़ा. तो यहाँ पर हुआ ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसमें क्या हुआ, पूरी आर्मी इकट्ठी की गई 34 कंट्रीज़ की. उसके बाद जो उसको लीड कर रहे थे पूरी आर्मी को, वो थे कौन, अमेरिकन जनरल थे. 75% जो आर्मी थी वो यूएस से थी, और इराक जो था वो बहुत जल्दी हार गया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी ट्रूप थी और इसका सामना करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था इराक के लिए. ओके, वॉर वॉज प्रॉफिटेबल टू द यूएस. अब देखो, 75% आर्मी यूएस की, ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि यूएस ने तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा खर्च किया होगा, आर्मी वगैरह भेज रहा है, अपनी सारी वेपन्स वगैरह भी दिए हैं उसने. लेकिन क्या था, जो वॉर थी ना वो माना गया कि वो प्रॉफिटेबल थी, किसके लिए, यूएस के लिए, यानी कि यूएस के लिए वो क्या थी, फ़ायदेमंद ही रही. इवन ये माना जाता है कि जितनी मनी उसने खर्च नहीं की ना, उतनी उसको वापस मिल गई थी इस वॉर से. यूएस रिसीव्ड मोर मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान एंड सऊदी अरेबिया दैन इट हैड स्पेंड. तो इतनी सारी कंट्रीज से उसको बल्कि और मनी मिली थी, जितनी उसने स्पेंड की उससे ज़्यादा. अब मनी मिली किस तरह से, वॉर रिवील्ड वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप बिटवीन यूएसए एंड अदर कंट्रीज, वो भी अभी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से मनी मिली उनको, ठीक है. तो जो वॉर ये हुई उससे पता चल गया कि भाई कितना बड़ा टेक्नोलॉजिकल गैप है यूएसए के बीच में और बाकी कंट्रीज़ के बीच में. इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी कंट्री के पास नहीं है जितनी यूएस के पास है, और इसको कई नामों से भी जाना गया था, किसको,
ये जो वॉर हुई थी, ये जो इनका ऑपरेशन था। अब यहाँ पर देखो, मदर ऑफ ऑल बैटल्स सद्दाम हुसैन, इराक प्रेसिडेंट। अब जब इराक ने इन्वेशन किया था कुवैत के ऊपर, तो उस टाइम पर कौन थे? सद्दाम हुसैन वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो सद्दाम हुसैन ही नहीं मान रहे थे कि भाई हम मैं हार जाऊँगा, लेकिन फिर भी वो बेचारे हार गए। ओके, अब कंप्यूटर वॉर, यूज़ ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स। एज आई टोल्ड यू कि कई सारे नामों से इसको जाना गया है, कंप्यूटर वॉर के नाम से जाना गया है। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के थ्रू ये वॉर लड़ी गई थी, बल्कि क्या था, इसमें कई सारे स्मॉल स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ हुआ। इस तरह के स्मार्ट बॉम्ब्स का इवन पहली बार वर्ल्ड को पता चल रहा था, अच्छा इस तरह के भी बॉम्ब होते हैं क्या। तो कंप्यूटर वॉर इसलिए इसको कहा गया, वीडियो गेम वॉर कहा गया, वाइड स्प्रेड टेलीविजन कवरेज। क्यों कहा गया वीडियो गेम वॉर? क्योंकि ये जो वॉर थी, ये पहली ऐसी वॉर थी जिसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था टेलीविज़न पर कई सारी कंट्रीज़ में। तो एक तो ये था कमाने का तरीका कि क्या हो रहा था, लाइव टेलीकास्टिंग हो रही थी कई सारी कंट्रीज़ में इस वॉर की, उनसे पैसे आए है ना, US को मिले। तो इसलिए इसको वीडियो गेम वॉर बोला गया है कि लोग अपने घरों से टीवी के सामने बैठे हुए इस वॉर को देख रहे थे कि ये देखो अमेरिका के जो स्मार्ट बॉम्ब्स हैं वो, सॉरी हाँ, अमेरिका के जो स्मार्ट बॉम्ब्स हैं वो किस तरह से इराक को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इसलिए इसको वीडियो गेम वॉर बोला गया, क्योंकि घर से हम सब लोग ये देख रहे थे, वीडियो जो टीवी कवरेज लाइव चल रहा था ये सब कुछ। कंप्यूटर वॉर इसलिए बोला गया क्योंकि स्मार्ट बॉम्ब्स उसमें यूज़ किया गया इस तरह के, जो हमने पहले कभी भी नहीं देखे थे शायद। ओके, उसके अलावा सद्दाम हुसैन जो थे वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे इराक के, जिस टाइम पर ये वॉर हुई। और जो वॉर थी वो US के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी, क्योंकि एक तो क्या मिला, लाइव टेलीकास्टिंग से उसको पैसा मिला। दूसरा क्या था, उसने एक वीडियो गेम भी बनाया था इस वॉर के ऊपर ना, कि पूरा जो वीडियो गेम है वो बनाया, तो उससे भी उसको पैसा मिला। ठीक है, और बाकी जो कंट्रीज थी उन्होंने भी उसको पैसा दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हुई। ओके, तो अब देखो कि कितना, किस तरह की वॉर रही है, और US जो था उसके पास में कितने अच्छे इक्विपमेंट्स थे, कितने अच्छे स्मार्ट बॉम्ब्स थे, कि उसने बैठे बैठे इराक को हरा दिया। और इसको कंप्यूटर वॉर का नेम दिया गया, या फिर इसको वीडियो गेम वॉर भी बोला गया। ओके, और जो मेन चीज़ें हैं वो एक बार और देख लेते हैं। UN मिलिट्री ऑपरेशन टू लिबरेट कुवैत, 34 कंट्रीज़ थी इसमें, 34 कंट्रीज़ की ट्रूप्स थी, जिसमें टोटल जो ट्रूप्स थी वो थी 6,60,000। ओके, इराक बेचारा अकेला था। UN का जो मिलिट्री ऑपरेशन था उसको किसने किया था लीड? अमेरिकन जनरल नॉर्मन स्क्वार्ट्जकॉफ ने किया था। 75% जो फोर्स थी वो केवल और केवल US की थी। इराक बहुत जल्दी डिफीट हो गया इसमें। जो वॉर थी वो US के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी, क्योंकि US को बहुत ज़्यादा मनी मिली थी जर्मनी से, जापान से, सऊदी अरेबिया से। जितनी ज़्यादा इसने खर्च नहीं की थी उतनी ज़्यादा उसको मिल गई थी। ओके, और पूरा जो बैटल की शुरुआत थी वो की थी किसने? सद्दाम हुसैन ने, क्योंकि वही नहीं मान रहे थे किसी की। ओके, इराक के प्रेसिडेंट थे और बहुत जल्दी वो हार भी गए थे। कंप्यूटर वॉर नाम मिला इसको क्यों? क्योंकि स्मार्ट बॉम्ब्स का इसमें यूज़ किया गया था। वीडियो गेम वॉर बोला गया क्योंकि घर से हम लाइव टेलीकास्टिंग इसकी देख सकते थे। तो ये पूरा था आपका ये टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप दैट यू लाइक दिस टॉपिक, क्योंकि मेरा भी ये फेवरेट चैप्टर है। और ये फेवरेट चैप्टर ही नहीं है, बल्कि ये पूरी बुक ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो थैंक यू। वी विल डिस्कस आर नेक्स्ट टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।